नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पुणे और महाराष्ट्र की फेमस मैंगो मस्तानी। अभी मैंगो का भी सीजन है और सबको मैंगो खाने का, मैंगो की हर डिश बहुत अच्छी लगती है। तो ये देखिए, देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा, बहुत ही रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल आपका मार्केट जैसा ही बनेगा। आइए देखते हैं कैसे बनेगा। प्लीज अगर मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ये सबसे पहले मैंने मैंगो प्यूरी बना रखी है, ये मार्केट में भी अवेलेबल होती है और मैंने घर पे थोड़ी सी शुगर डाल के करी है और हल्का सा ऑरेंज रेड कलर डाला है बिकॉज अभी मैंगो में कलर बिल्कुल भी नहीं आ रहा है। अब हम इसकी थोड़ी सी इसमें ग्लास में पहले डिजाइनिंग कर लेंगे। ये आपने थोड़ा सा मैंगो प्यूरी यहाँ पे डाल देंगे और इसको चारों तरफ इसको कोटिंग कर देंगे। बस इसको रोटेट कर देना है इसे थोड़ा थोड़ा और इसको हमने फ्रिज में रख देना है ताकि हम जब तक प्यूरी बनाएंगे हम लोगों की सेट हो जाएगी। अब डिजाइन चाहो तो कोई भी बना सकते, मैंने इससे बनाया है, आप और भी कोई कलर से। ये देखिए, इसको बस आपने घुमाना है, ये जो भी डिजाइन बनेगा अपने आप बन जाएगा। थोड़ा सा प्यूरी थिक है तो थोड़ा सा आपका टाइम लेगा। ये देखिए, अब इसको मैंने फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना हाफ एन आवर। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम लोग लेंगे एक जार, जार में डालेंगे मैंगो की प्यूरी। मेन ये आपका हापुस आम से बनता है तो इसलिए मैंने इसमें कलर डाला है। अगर आपको लाइट येलो कलर पसंद है तो आप लाइट येलो कलर भी डाल सकते हो। अब इसमें हम लोग डालेंगे मिल्क। अब इसमें हम डालेंगे 2 टेबलस्पून शुगर। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो कि आपको मीठा चाहिए या कम मीठा। फिर उसके बाद ये मैंगो आइसक्रीम है, ये मैंने घर पे ही बना रखी है, आप चाहो तो मार्केट से ला सकते हो। आपने 1 स्कूप ये डालना है अराउंड हाफ कप के आसपास, जो आपका 10 रुपीज का एक कप आता है। ये मैंने जस्ट अभी ही फ्रिज से निकाली है, मेरी तो होममेड है, आप चाहो तो मार्केट की लाके डाल सकते हो। 1 स्कूप जाएगा आपका। मैंगो आइसक्रीम और 1 स्कूप ही जाएगी आपकी वनीला आइसक्रीम। ये महाराष्ट्र की साइड बहुत ही फेमस है और अभी मैंगो का सीजन ही भी आ रहा है तो ये सबकी वैसे भी ऑल टाइम फेवरेट है। मैं इसको मिक्सी में चर्न करूंगी। सबको हमने ऑफ करके मिक्सी में चर्न कर लेना है। ये देखिए, अब मैं इसको मिक्सी में चर्न कर रही हूं। अब ये देखिए, ग्लास भी हम लोगों का रेडी हो चुका है। अब हम ये मिक्सी में ग्राइंड हो चुका है और इसमें हम ये पोर कर देंगे। ये आपने इसमें पूरा नहीं भरना है, ये हमारे 3 ग्लास, आप चाहो तो इसमें मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हो ऊपर से चॉप करके, पूरा नहीं भरना है। मैं इसमें टूटी फ्रूटी डाल रही हूँ, आप चाहो तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी डाल सकते हैं। ये बिल्कुल आपका मार्केट वाला ही टेस्ट आएगा और ये आपका महाराष्ट्र की साइड बहुत ही फेमस है। यहाँ पे आप अगर हम अपनी साइड बोले तो हम इसको मैंगो शेक बोल सकते हैं, नहीं तो वैसे ये मैंगो मस्तानी है। ये देखिए, देखने में कितनी अच्छी और टेम्पटिंग लग रही है। अब इसमें साथ में हम एक एक आइसक्रीम का स्कूप डाल देंगे। ये आप थोड़ा सा पहले निकाल लेना क्योंकि अभी गर्मियों का सीजन है तो हमने अभी ही निकाली है। आप चाहो तो साथ में वनीला आइसक्रीम का भी स्कूप रख सकते हो। ये मैं साथ में वनीला आइसक्रीम भी डाल रही हूँ।
चाहो तो इसमें मैंगो के चंक्स भी डाल सकते हैं। वापस ऊपर से लीजिए, रेडी है हमारी मैंगो मस्तानी। इसको हम लोग स्ट्रॉ के साथ, आप स्ट्रॉ के साथ कर सकते हो, अम्ब्रेला वगैरह आती है आप उनके साथ सर्व कर सकते हो। ये देखिए देखने में कितना अच्छा और टेम्पटिंग लग रहा है, और किसी को सर्व करोगे तो बिल्कुल मार्केट वाला टेस्ट आएगा। क्योंकि बहुत जने हमसे पूछते हैं कि हम लोग शेक्स बनाते हैं हमारा मार्केट वाला टेस्ट क्यों नहीं आता, तो अगर आप इस तरह से बनाएंगे तो आपका प्रॉपर मार्केट वाला ही टेस्ट आएगा। मेजरमेंट मैं इसका जो भी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देती हूँ। कम ज्यादा अगर आपने बनाना हो तो आप उसके अकॉर्डिंग अपनी क्वांटिटी को कम ज्यादा कर सकते हैं।